अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नत की बस्ती में। मैं आपका मेज़बान रावश मसरी आज दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई लोकेशन के साथ। ये आप देख सकते हैं कि एक लोकेशन पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी है और खंडर सा है। इसके अंदर हम जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जो मेरे दोस्त ने मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके और कमेंट करके बताएं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आए दोस्तों, अब हम इस लोकेशन की अंदर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कुछ जो इधर मामला हमें बताए गए थे वो ऐसे हैं या नहीं हैं। देखने में तो हमें ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है, खंडर सा, और एक ये शहर से दूर रेलवे ट्रैक के साथ है बिल्कुल। किसी वक्त में ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा ये घर होते थे। अभी ये एक खंडर के हवाले से जाने जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं साथ में बिल्कुल फसलें हैं। हमें ये बताया गया है कि इस जगह पे कुछ आदमी बैठकर चिल्ला वगैरह करते हैं। लोगों ने अक्सर जो दिन के टाइम ही उनको देखा है कि इस जगह पे दिन के टाइम ही वो चिल्ला करते हैं। तो ये नहीं पता कि चिल्ले के अंदर वो क्या करते हैं, किसी की अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये उनको इलम नहीं है इस जगह का। कि अक्सर दो तीन दफ़ा उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश भी की है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते आगे से और बैठ के अपनी चिल्लाकशी करते रहते हैं। और ये दोस्तों वो कमरा है जिसके अंदर ये लोग चिल्लाकशी करते हैं। इस कोने के अंदर ये आप देख सकते हैं ये आग वगैरह भी जलाई इन लोगों ने। अभी तो फ़िलहाल इस जगह पर मौजूद नहीं है। ये देखो आपके ऊपर पंजों के निशान भी बने हुए हैं। और लोग बताते हैं कि वो अजीब अजीब से, जैसे कोई हिंदू हो ऐसे मंत्र पढ़ते हैं अजीब अजीब से। इस कमरे के अंदर से अजीब अजीब से गूंजने की आवाज़ें आती उनके जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं इस जगह पे। और ये आप नीचे देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर हैं इसके अंदर। इधर भी ये हाथ से बने हुए हैं ये दीवार के ऊपर।
ये साथ में आप देख सकते हैं फसलें, और इन फसलों के अंदर ये एक साथ में बाग भी है, और ये आप लोगों ने देखा किस लोकेशन का हमने विजिट कराया आप लोगों को। लेकिन ये परली इमारत के अंदर हम गए थे, अभी हम इसके अंदर जाएंगे। यार देखें कि मैं इस इमारत के अंदर आ चुका हूँ। ये दोनों इमारतों की सेम सेम शक्लें हैं, ये आप देखें कि सेम सेम ही है बिल्कुल। लेकिन उसी इमारत के अंदर ही बताया जाता है कि चिल्लाकशी की जाती है उधर। इधर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा किया गया है इस कमरे के अंदर भी। ये क्या अजीब सा, इधर कुछ चीज बैठी हुई थी अचानक से गायब हो गई। और मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। जी जी सी आवाज़ें आ रही हैं इस जगह पे। दोस्तों अभी भी कुछ एक्टिविटी मौजूद है। इस जगह पर कोई खास चीज ही है, ये बाहर की तरफ ये रास्ता जा रहा है और इसके अंदर ये रास्ता जा रहा है। तो अभी हम रात होने का इंतज़ार भी करते हैं क्योंकि रात के वक़्त जो ज़्यादा इधर एक्टिविटी मौजूद होती है। तो अभी तक तो वो इंसान हमें नज़र नहीं आए जो चिल्लाकशी करते हैं इस जगह पे। तो अभी हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह रात के एपिसोड में आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे।